नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने YouTube चैनल माय लिटिल टेरेस गार्डन BBK में। और ये मेरा अडेनियम का प्लांट है जो कि देसी प्लांट है और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। बहुत अडेनियम जो है बहुत बेहतरीन फ्लावर होता है इसका। ये देखिए न्यू बर्ड्स, ढेर सारे न्यू बर्ड्स आए हुए हैं ये देखिए। और ये जो है ये इसके सीड्स हैं, इसमें सीड्स होते हैं और ये सीड्स जब पक के निकलेंगे तो मैं और पेड़ ग्रो करूँगा। तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और अभी सीज़न इसका जाने वाला है तो सर्दियों में फ्लावरिंग ख़त्म हो जाती हैं। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों कि एक पेड़ पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर कैसे पाए जाएं, किस तरीके से, ऐसा क्या किया जाए कि हम एक पेड़ पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल पा सकें, ले सकें। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है अच्छी खाद फर्टिलाइज़र दिया जाए और जो पौधे की रिक्वायरमेंट होती है उसे पूरा किया जाए। उसके बाद पौधे पर प्रूनिंग की जाए। जैसे ये पौधा है तो इसको मैं ऊपर से प्रून कर दूंगा, कट कर दूंगा, जिससे इसमें, और ये देखिए मैंने इसको कट कर दिया है मैरीगोल्ड के प्लांट को, तो इसमें क्या होगा, न्यू लीफ जो हैं, न्यू ब्रांचेस जो हैं वो नीचे से ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। होता कट करने से होता क्या है कि जहाँ से आप कट करते हैं वहाँ से दो से तीन ब्रांच, न्यू ब्रांच निकलती है। ये देखिए मैंने कट किया था पहले, तो इसमें सब जगह से दो ब्रांच निकलने शुरू हो गई है। जहाँ से नोड एज होता है वहाँ से न्यू ब्रांच स्टार्ट हो जाती है, ये देखिए यहाँ। तो ये एक नीचे से निकली है और इसको हम कट कर देंगे तो जो हमारी लीफ नोड एरिया है वहाँ से न्यू ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। और ये देखिए इसमें तो काफ़ी बड़ी बड़ी स्प्राउटिंग होने स्टार्ट हो गई है, मैंने पहले कट किया था इसको। और इस तरीके से आप कट करेंगे तो एक प्लांट पर काफ़ी फ्लावर आएंगे, कई ब्रांचेस निकलेंगे, आपका पौधा घना हो जाएगा और कई फ्लावर निकलेंगे। तो जैसे ये टमाटर का प्लांट है, इसको भी आप कट कर देंगे ऊपर से, यहाँ से कट करेंगे तो नीचे से कई ब्रांचेस निकलेंगी, लेकिन मैं इसको कट नहीं करूँगा और इसको ऐसे ही मैं बढ़ने दूँगा क्योंकि ये वेजिटेबल प्लांट है। ये देखिए मैंने कट किया था तो इस पर दो ब्रांचेस, तीन ब्रांचेस निकली हैं और इन तीन ब्रांचेस में और भी दो से तीन ब्रांचेस निकलेंगी और इसके नीचे से दो या तीन ब्रांचेस निकलेंगी। इसी तरीके से आप हर प्लांट की प्रूनिंग करेंगे और हर प्लांट में यही स्थिति होती है। ये मैंने मिनी चांदनी का प्लांट है, इसको भी मैंने प्रून कर दिया था तो इसमें अब देखिए पौधा धीरे धीरे घना हो रहा है और ये बहुत अच्छी ग्रोथ में है, ग्रो कर जाएगा। तो इस तरीके से आप कट करके प्रून करके अपने पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर प्राप्त कर सकते हैं। पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा घना करेंगे तो पौधा ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल पा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। धन्यवाद।